दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। टीवी में रेजिस्टेंस के बाद में कैपेसिटर नंबर्स में सबसे ज़्यादा लगे होते हैं। कैपेसिटर बहुत से टाइप के आते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो बड़े साइज में दिखते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं, उसके बाद में पेपर कैपेसिटर्स हैं लगते हैं, और बाद में छोटे छोटे पीएफ्स वगैरह लगते हैं। इनका काम अलग 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 तरह का काम होता है, तो सबके बारे में जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा हम आपको इसके बारे में जब जितनी आवश्यकता है उतना बताएंगे आपके बारे में कि कैपेसिटर क्या काम करते हैं और इसको हम चेक कैसे करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और घंटी पे हाथ लगा के उसको आप घंटी पे हाथ लगा दीजिए तो आपको फिर से अगले वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तो कैपेसिटर देखिए, मेनली ये कैपेसिटर्स हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स बोलते हैं। ये कैपेसिटर जो दिख रहा है ये देखिए साइज में बड़ा है। ये इसका वोल्टेज 450 वोल्ट दिया हुआ है और 100 mFd का वैल्यू है। कैपेसिटर्स का वैल्यू mF में माइक्रो फैराड पिको फैराड में रहते हैं। जो छोटे रहते हैं कम वैल्यू के उसको पिको फैराड में मापते हैं, और बड़े कैपेसिटर्स को माइक्रो फैराड में यूज़ करते हैं। ये पोलर कंडेंसर है, मतलब इसमें देखिए मार्क दिया हुआ है माइनस का, तो ये देख कर लगाना पड़ता है पॉजिटिव निगेटिव। कुछ कैपेसिटर्स में वो नॉन ज़्यादा करके कैपेसिटर्स जो आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक छोड़ के वो नॉन पोलर ही रहते हैं, उसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम आपको एक पावर सप्लाई दिखाते हैं, उसमें बहुत से टाइप के कैपेसिटर लगे हैं, तो आपको हम उसके बारे में दिखाते हैं। ये देखिए जो येलो कलर का कैपेसिटर लगा है यहाँ पे, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। ये 250 वोल्ट का कैपेसिटर है, एसी के अक्रॉस में लगता है ज़्यादा करके येलो कलर का। उसके बाद ये छोटा देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर है छोटा, ये पीएफ है छोटे। ये देखिए एक टाइप के पेपर्स कैपेसिटर है, यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर है, ये भी पेपर कैपेसिटर ही है। ये सप्लाई वगैरह में लगाते हैं, इसके अलग अलग वोल्टेज होते हैं, अलग अलग वैल्यू होते हैं। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ देखिए। तो टीवी में ये कैपेसिटर जो लगे हैं, ये ब्राउन कलर का जो लगा है, चॉकलेटी कलर में है, ये कैपेसिटर पेपर का कंडेंसर है, ये भी लगते हैं। तो मेनली यही कैपेसिटर्स लगते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर ज़्यादा करके कपलिंग में यूज़ होते हैं, डीकपलिंग में यूज़ करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये फिल्टर के लिए यूज़ होते हैं। डीसी सप्लाई जो एसी से डीसी में करते हैं उसमें रिपल्स रहते हैं, उसको फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर्स का यूज़ होता है। और टीवी में ये कंडेंसर का बहुत महत्व है। कंडेंसर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, पहले तो आप टीवी और सेट वगैरह रिपेयरिंग के लिए जब खोलते हैं तो ये कैपेसिटर्स को आप ध्यान से देखिए, तो ये जो ऊपर का भाग है ये फूल जाता है, तो वो कैपेसिटर्स थोड़े से बहुत ख़राब हुए रहते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट आपको चेंज ही करना रहता है। अगर आपका फॉल्ट सेक्शन वाइज आप जब आगे जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके टीवी में क्या प्रॉब्लम है, तो सेक्शंस के बारे में नॉलेज होगा तो वो सेक्शन में आप बारीकी से देखेंगे। ये कंडेंसर वगैरह ऊपर फूल गए हैं तो कंडेंसर पहले चेंज कर लेंगे, और अगर उस ऊपर से नहीं दिख रहे हैं तो नीचे से, कभी कभी नीचे से भी फूल जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तो कैपेसिटर चेंज करने पड़ते हैं। फिजिकल में मालूम पड़ जाता है, मीटर पर प्रॉपर कंडेंसर चेंज नहीं हो, चेक नहीं हो पाते हैं। इसके में कि जो कांटे वाले मीटर आते हैं उसमें किकेशन देता है, ये मीटर में भी एक बार आपको चार्ज दिखा के फिर बैक आएगा, मीटर का रीडिंग कम होता है। तो ये खाली शॉर्ट कैपेसिटर अगर हम चेक कर पाते हैं, इसमें प्रॉपर चेक नहीं कर पाते हैं, जब डाउट होता है तो हम इसको चेंज करके ही देखते हैं। ये कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू में आते हैं, अलग अलग वोल्टेजेज में आते हैं, तो वोल्टेज के हिसाब से इसको हमको लगाना लगाना होता है, और वैल्यू और इसका वोल्टेज दोनों ही बहुत महत्व रहता है। जितने वे MFD के कंडेंसर हैं उतना MFD, और वोल्टेज अगर एवब है तो चल जाएगा, कम वोल्टेज का कैपेसिटर वहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि बस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। अगर सप्लाई 400 है और हमने 300 का लगा दिया तो कैपेसिटर गर्म होंगे, कुछ टाइम के बाद वो फूट जाते हैं। तो आप उससे ज़्यादा का वोल्टेज का कैपेसिटी का लगा सकते हैं, लेकिन कम का आपको नहीं लगाना है। वैल्यू के बारे में तो वैल्यू आपको सेम ही लगाना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा वैल्यू में तो आपको नहीं लगाना है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे आप लगा रहे हैं, वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे सप्लाई फिल्टर की जगह पे अगर आपने कुछ प्लस ज़्यादा वैल्यू के लगा दिए हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी वगैरह एड जहाँ पे कपलिंग होता है वहाँ पर अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। तो ज़्यादा करके आप कोशिश करें कि सेम वैल्यू सेम वोल्टेज का ही कैपेसिटर लगाएं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर्स में रहते हैं, छोटे साइज में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बड़े साइज में सप्लाई हर एक सप्लाई डीसी को इसको फिल्टर करने के लिए लगाते हैं, फिर उसको वापस अगर ड्रॉप करते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह से कम करते हैं सप्लाई, तो फिर से उसको कंडेंसर से इसको फिल्टर करते हैं। इसको पाई टाइप फिल्टर सर्किट बोलते हैं, जैसे दो कैपेसिटर के बीच में एक रेजिस्टेंस लग जाता है और दो कैपेसिटर ग्राउंड होते हैं डीकपलिंग, तो उसको पाई टाइप फिल्टर सर्किट करते हैं। बहुत टाइप के सर्किट बनते हैं। तो आप कैपेसिटर्स के बारे में थोड़ा, पेपर कंडेंसर जो लगते हैं टीवी के अंदर, वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो हाई वोल्टेज का सेक्शन है वहाँ से,
डिफ्लेक्शन कॉइल वगैरह के लिए, या फिर बूस्ट कंडेंसर्स बोलते हैं जिसको, हाई वोल्टेज के रहते हैं, 2000 2 KV 2.5 KV के कैपेसिटर्स रहते हैं, वहाँ पे लगते हैं, 400 600 वोल्टेज के कैपेसिटर, वो खाली हॉरिजेंटल सेक्शन में ज़्यादा करके लगते हैं। एसी वोल्टेज और हॉरिजेंटल सेक्शन, दो सेक्शन जो है टीवी का, हाई वोल्टेज का सेक्शन होता है जहाँ पे डीसी बनाते हैं वहाँ पे, और हॉरिजेंटल का जो ईएसटी वोल्टेज जनरेट करने के लिए, जो ट्यूब को चमकने के लिए या ट्यूब ग्लो होने के लिए, ट्यूब पे जो पिक्चर आता है उसके लिए, जो 25 KV टीवी वोल्टेज, KV का जो वोल्टेज तैयार करने के लिए जो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लगता है, वहाँ पे बूस्ट कैपेसिटर्स वगैरह लगाते हैं वोल्टेज को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे कैपेसिटर्स ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस भी कैपेसिटर का वहाँ ही रहता है। फिर उसके बाद वर्टिकल सेक्शंस हैं, वहाँ भी कैपेसिटर वगैरह ख़राब होते हैं। वहाँ पर ख़राब होने पर क्या होता है, जब वर्टिकल सेक्शन के बारे में आपको बताएंगे तो उस वीडियो में हम कैपेसिटर्स के बारे में बताएंगे, कौन से कैपेसिटर्स के कहाँ पे लगा, ख़राब होने से क्या तकलीफ़ आती है। तो कैपेसिटर्स के बारे में इतना जान लिए। कैपेसिटर शॉर्ट शॉर्ट्स होते हैं तो सप्लाई को भी ड्रॉप करते हैं, ग्राउंड करते हैं, इसे शॉर्ट सर्किट भी तैयार होता है। तो ये कंडेंसर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर तो आपको अगर फिजिकल में दिखते हैं तो चेंज ही करना रहता है। अगर आपको जो सेक्शन में जाते हैं उस सेक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये कैपेसिटर चेंज करके भी कुछ कुछ देखने पड़ सकते हैं, देखने पड़ते हैं। तो आपको इस तरह से कैपेसिटर्स का पता लगाना है कि कौन सा कंडेंसर ख़राब है। कंडेंसर के बारे में आपको हमने बताया कि इसको, इसका मेजरमेंट की जो इकाई है वो माइक्रो फैराड और पिको फैराड है। नैनो फैराड सबसे छोटी, फैराड जो है वो सबसे छोटी इकाई है, वो बहुत कम यूज होती है, ज़्यादा करके PF और MF में ही इसका वैल्यू ये करते हैं। और इसमें दो चीज़ का बहुत महत्व है, दो चीज़ इसके ऊपर लिखा रहता है, एक चीज़ और इसमें रहती है मेंशन। देखिए पहले तो वैल्यू रहता है जो PF MF में लिखा रहता है, जैसे ये कंडेंसर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कि 250 680 MF, 680 MF 250 वोल्ट, तो 680 MF इसका वैल्यू हो गया, 250 वोल्ट इसका वर्किंग वोल्टेज हो गया। और यहाँ पे सेंटीग्रेड में इसका टेम्परेचर लिखा है कि इतना टेम्परेचर ये में कंडक्ट होता है, मतलब ये चल सकता है। तो ये चीज, तीन चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी रहता है। थर्ड का तो कोई सब कैपेसिटर पे नहीं रहता है, लेकिन उसका वोल्ट, उसका वैल्यू और वर्किंग वोल्टेज, दो चीज़ हर एक कैपेसिटर के ऊपर लिखा रहता है, दोनों चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप MF और PF दो चीज़ देखते हैं, जो छोटे कैपेसिटर्स हैं वो PF में रहते हैं और ये MF में रहते हैं। नैनो फैराड का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पहले TV वगैरह में आते थे, बहुत से पुराने TV में ये रहते थे नैनो फैराड में, तो हम इसके बारे में आपको बता दिए। लेकिन आपको जितना ज़रूरी है उतना ही हम वीडियोज़ में बताएंगे, ज़्यादा विस्तार में आपको कंफ्यूज करने के लिए हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इतनी जानकारी काफ़ी है, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको मांगना है तो इसका वर्किंग वोल्टेज और इसका MFT आपको बताना पड़ता है, या छोटा PF वगैरह है तो उसका भी आपको वैल्यू और वोल्टेज आपको बोलना है। वोल्टेज अगर आप बढ़ाते हैं, बड़ा ज़्यादा वोल्टेज में जब जाते हैं तो कैपेसिटर के साइजेस बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही वर्किंग वोल्टेज कम रहता है, उस कैपेसिटर का वोल्टेज कम रहता है, उसका साइज़ कम रहता है। तो बहुत से टाइप के कैपेसिटर, दो तीन टाइप के आते हैं, एक इसमें भी और छोटे कैपेसिटर्स भी आते हैं जो लगे रहते हैं सेट में। तो ज़्यादा करके रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ICs ये सब TV में यूज़ होती है। तो कैपेसिटर सेकेंड नंबर पे रहते हैं, फर्स्ट पे रेजिस्टेंस और सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटर्स यूज होते हैं इसमें। तो कैपेसिटर के बारे में आज के वीडियो में आपको बताया। आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, हम अगले वीडियो में बाकी कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, फिर फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में हम आगे वीडियो डालते ही रहेंगे कंटिन्यू। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, देखिए इसको, समझिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।